दोस्तों, अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आपको अपने YT Studio डेस्कटॉप वर्जन में और इसके साथ ही अपने YT Studio मोबाइल एप्लीकेशन में कुछ इस तरीके से एक स्क्रीन दिखाई दे रही होगी जहां आपको आपके मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया में बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों, अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज है तो आपको अपने YT Studio एप्लीकेशन में और डेस्कटॉप वर्जन में एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा जहां आपको साफ तौर पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, अगर आपने YouTube की नई टर्म्स एंड कंडीशंस को अपने YouTube चैनल पर अप्लाई नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपका YouTube चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा, यानी कि आपके चैनल से मोनेटाइजेशन हटा दिया जाएगा और आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। तो ये दोनों ही चीजों के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि YouTube की नई टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं और YouTube के मोनेटाइजेशन सेक्शन में जो बदलाव किया गया है उससे हमारे चैनल पर क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या इससे हमारे चैनल को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। तो आज की इस वीडियो में सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको YouTube पर आने वाली हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आपको आपके YT Studio डेस्कटॉप वर्जन में और अपने YT Studio मोबाइल एप्लीकेशन में जो अपने मोनेटाइजेशन सेक्शन में बदलाव दिखाई दे रहा है उसका क्या मतलब है और उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि YouTube ने 2022 यानी कि 2022 में ही आप सबको ये बता दिया था अपने ऑफिशियल चैनल से और अपने ब्लॉग से कि YouTube अपने प्लेटफॉर्म पर एक बदलाव करने वाला है और वो बदलाव है YouTube पर शॉर्ट वीडियो मोनेटाइजेशन का, यानी कि जो आपकी शॉर्ट वीडियो होती है जिस पर पहले आपको फंड दिया जाता था, यानी जो आपको $100 से लेकर $10,000 तक का जो फंड मिलता था उसे YouTube अब बंद करने वाला है और YouTube उसके बदले में आपको शॉर्ट वीडियो पर मोनेटाइज करने का ऑप्शन देने वाला है, यानी कि आप अपनी शॉर्ट वीडियो को मोनेटाइज कर सकते हैं, उस पर जो एड्स दिखाए जाएंगे उससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा और ये अपडेट लागू होने वाला है 2023 यानी कि 2023 में। और ये अपडेट जो है फरवरी से लागू कर दिया जाएगा। जिन क्रिएटर्स को ये चीज़ पता है कि 1 फरवरी से ये अपडेट उनके यूट्यूब चैनल पे लागू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही अपडेट उनको अपने YT स्टूडियो में देखने को मिलने लग गया है, तो इससे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रहा होगा मन में कि आपको ये अपडेट पहले क्यों दिखाई दे रहा है जब ये फरवरी से लागू होगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे साफ कर देना चाहता हूँ कि आपका YouTube चैनल सबसे पहले मोनेटाइज होना चाहिए और मोनेटाइज होने के लिए पहले जो आपके पास क्राइटेरिया था यानी 1000 सब्सक्राइबर्स का और 4000 घंटे का वॉच टाइम जो आपको कंप्लीट करना होता था उसके बदले में अब आपको 4000 घंटे के वॉच टाइम के बदले अगर आप 1 करोड़ व्यूज अपने 90 दिनों में अपने YouTube चैनल पर शॉर्ट वीडियो से जमा कर लेते हैं, आपको मिल जाते हैं, तो आप अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हो, आपको 4000 घंटे के वॉच टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है अपडेट YouTube ने लागू किया है और ये अपडेट 1 फरवरी से लागू हो जाएगा, यानी कि 1 फरवरी से आप अपने YouTube चैनल पर शॉर्ट वीडियो को मोनेटाइज कर सकते हैं, उस पर जो भी एड्स मिलेंगे वो 1 तारीख से काउंट होने लग जाएंगे और आपको 1 तारीख से ही उसका रेवेन्यू मिलने लग जाएगा। लेकिन यहां मैं साफ करना चाहता हूं कि उससे पहले यानी कि अभी जो जनवरी का टाइम चल रहा है इसमें आपको कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। हालांकि आप अपना YouTube चैनल मोनेटाइज जरूर कर सकते हो अगर आपका YouTube चैनल शॉर्ट वीडियो से या फिर लॉन्ग वीडियो से मोनेटाइज हो जाता है और आपको फिर भी ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपके YT Studio डेस्कटॉप वर्जन में, YT Studio मोबाइल एप्लीकेशन में, तो भी आप अपने YouTube चैनल पर शॉर्ट वीडियो से अभी फिलहाल अर्निंग नहीं कर सकते हो क्योंकि ये अपडेट 1 तारीख से लागू किया जाएगा यानी 1 फरवरी से। और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो फंड पहले आपको मिला करता था YouTube पर, तो YouTube अब बंद कर चुका है, यानी कि अब आपको कोई फंड नहीं मिलेगा। अगर आप फंड की चाह में YouTube पर शॉर्ट वीडियो बना रहे हो तो अब आप यहाँ पे इस चीज़ को ख़त्म कर दीजिएगा कि आपको फंड मिलने वाला है। लेकिन हाँ, इससे ये फ़ायदा ज़रूर होगा आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो और इससे आपको सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि आप लॉन्ग वीडियो से तो अर्निंग करोगे ही करोगे मोनेटाइज करके और अपनी शॉर्ट वीडियो से भी आप मोनेटाइज कर सकते हो। इसके अलावा दूसरी चीज़ और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इससे आपको एक फ़ायदा और होगा कि पहले जब आपको फंड मिलता था आपको पता नहीं रहता था आपके कितने व्यूज़ पर फंड मिलेंगे, यहाँ पे YouTube खुद ही सेलेक्ट करके फंड दिया करता था जो भी व्यूज़ होते थे। लेकिन अब आपको यहाँ पे साफ दिखाई देगा कि आपके कितने व्यूज़ हो चुके हैं शॉर्ट वीडियो पर और उससे आपका YouTube चैनल जो मोनेटाइज होने वाला है वो कितना करीब पहुँच चुका है। ये चीज़ यहाँ पे हमें थोड़ी क्लियर हो गई है YouTube की तरफ से कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा YouTube चैनल कितने दिनों में मोनेटाइज हो सकता है, एक आइडिया लगा सकते हैं। और मोनेटाइज होने के बाद दोनों तरफ से आप अर्निंग कर सकते हो, यानी आपकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसके अलावा जिनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है उनको एक नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है YT Studio में और वो ये है कि उनको ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर आपने YouTube की नई टर्म्स एंड कंडीशंस, नई पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। अब देखिए, अगर आपने YouTube की नई टर्म्स एंड कंडीशंस को अप्लाई नहीं किया अपने चैनल पे या फिर उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका YouTube चैनल 1 जून से डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा, ये YouTube की नई पॉलिसी है।
अब ये पॉलिसी है क्या और आपको क्या एक्सेप्ट करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया YouTube पर शॉर्ट वीडियो से आप अर्निंग कर सकते हो, तो उसी को लेकर ये पॉलिसी बनाई गई। YouTube ने जो ये पॉलिसी बनाई है उसका रीज़न ये है कि अगर आप YouTube पर अर्निंग करना चाहते हो, अपनी रेवेन्यू को जनरेट करना चाहते हो, तो आपको दोनों ही वे से अर्निंग करने का ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा, यानी कि लॉन्ग वीडियो से भी और शॉर्ट वीडियो से भी। ऐसा नहीं है कि आप चाहो सिर्फ लॉन्ग वीडियो से ही आप अर्निंग करो और शॉर्ट वीडियो को आप थोड़ा सा अलग रख दो कि अगर आप शॉर्ट वीडियो अपलोड भी करो तो उन पे एड से आपको अर्निंग ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हालांकि अभी आप चाहें तो इसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन 1 जून से पहले पहले आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। हो सकता है यूट्यूब पर कई यूट्यूब क्रिएटर्स आपको गुमराह कर रहे हो कि यूट्यूब की नई पॉलिसी आपके चैनल के लिए बहुत खतरनाक है, आपको नुकसान होगा। लेकिन मैं साफ करना चाहता हूं कि आपको यूट्यूब पर इस नई पॉलिसी से बहुत बड़ा फायदा होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप दोनों वे से अर्निंग कर सकते हो, तो आपको कुल मिलाकर अच्छा फायदा यहां पे YouTube की तरफ से दिया जा रहा है। आपको जल्द से जल्द इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि 1 तारीख से आप अपनी शॉर्ट वीडियो से भी रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। और आपको पता है शॉर्ट वीडियो पर कितने ज्यादा व्यूज आते हैं, तो ऐसे में आप शॉर्ट वीडियो भी अपने चैनल पर डालोगे और लॉन्ग वीडियोज भी डालोगे, तो दोनों से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो काफी ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि पहले आपको व्यूज पे पैसे नहीं मिलते थे, बट अब आपको उस व्यूज पर भी पैसे मिलेंगे जो शॉर्ट वीडियो पर आपको मिलेंगे। दोस्तों इस नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है वहां पर, या फिर आप अपने मोनेटाइजेशन के सेक्शन में जाकर वहां पे आपको एक शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन दिखाई देगा, जहां आपको एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस के नाम से दिखाई देगा। उस पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे जैसे आपको जो जो चीजें बताई जा रही है उन सभी को एक्सेप्ट करके डन कर देना है। तो यहां पे जैसे आप इन सारे प्रोसीजर को फॉलो करोगे, आपका यूट्यूब चैनल इस कंडीशंस को अप्लाई कर देगा आपके चैनल पर और आपका जो भी चैनल है वो डीमोनेटाइज फिर नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे इग्नोर करते हो तो 1 जून के बाद आप अपने यूट्यूब चैनल पर मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं रख पाओगे, क्योंकि आपको इस टर्म्स एंड कंडीशंस को, इस नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और इससे आपके चैनल पर कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको यूट्यूब पर आने वाली हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हमारी दूसरी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।